जय हिंद। देखिए, भारत में लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। अभी जो है बहुत जल्द लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसमें हम लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनेंगे, अर्थात सांसद चुनेंगे, एमपी चुनेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग ये सीखने का प्रयास करेंगे, जानेंगे कि एक एमपी की सैलरी कितनी है और सैलरी के अलावा उसको क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं और वो कौन सी सुविधाएं जो उसको जीवन भर मिलता है और उसके अलावा उसकी बीवी को, परिवार को, रिश्तेदारों को भी कौन कौन सी सुविधाएं मिलती है और इन सुविधाओं के बदले में उसकी ड्यूटी क्या है और क्या वो ड्यूटी करता है या नहीं करता है। नहीं करता बाद में देखा जाएगा, पहले हम समझते हैं कि सैलरी कितनी मिलती है। तो हम इस वीडियो में समझेंगे कि भारत के एक एमपी को क्या क्या सुविधाएं मिलती है। देखिए, एक एमपी की जो बेसिक सैलरी होती है ना, वो 1,40,000 होता है। मतलब एक एमपी का पर मंथ का सैलरी जो होता है 1,40,000 मिलता है उसको पर मंथ, जिसमें से 50,000 जो उसकी फिक्स सैलरी है, इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूएंट अलाउंस उसको 45,000 मिलता है, इसके अलावा जो ऑफिस का खर्चा बर्चा उसके लिए भी उसको 45,000 मिलता है। मतलब ये समझिए कि डायरेक्ट अलाउंस साल भर का उसको 3,80,000 के आसपास वो सुविधा मिल जाती है, इतना पैसा उसको मिल जाता है। सिर्फ यही नहीं, उसको हवाई जहाज से सफर करने के लिए 4,08,000 रुपया मिलता है। हवाई जहाज से सफर करने का अलग मिलता है, मतलब देखते रहिए कितना मिलता है, क्या क्या मिलता है उसको। रेल से सफर करने उसको 5,000 मिलता है, सैलरी के अलावा है, ऊपर है, सैलरिया में नहीं है। पानी के लिए उसको मिलता है 4,000, हम बताएंगे कैसा, ठीक है। अब बिजली के लिए मिलता है उसको 4,00,000 रुपया मिलता है अलग से, ठीक। इसके अलावा सैलरी के अलावा क्या मिलता है उसको, 1,51,833 रुपये। मतलब सैलरी तो हैले है, सैलरी जो है उसकी सैलरी जो है 1,40,000 तो हैले है, लेकिन इस सैलरी के अलावा जो बाकी सुविधाएं मिलती है उसका अगर टोटल खर्चा निकाला जाए तो वो खर्चा होगा 1,51,833 रुपया। मतलब साल भर का जोड़ दीजिएगा तो सैलरी के अलावा उसको मिलता 18,22,000। दिमाग गूंजा जाएगा, सुनते रहिए बस। अब इसको समझिए, अगर फिक्स सैलरी अलावेंस के साथ सबको जोड़ दिया जाए तो पर मंथ उसको मिलता है मतलब 2,91,833 रुपया। मतलब सैलरी और सुविधाएं दोनों मिलाकर, ठीक है। अर्थात एक साल में एक एमपी के ऊपर कम से कम 35,00,000 रुपया खर्चा होता है, जिसपे कोनो टैक्स नहीं लगता है। हम लोग खून पसीना का कमाई कमाते हैं, सरकार को टैक्स देते हैं, वो लोग भी खून पसीना कमाता है लेकिन टैक्स नहीं देता है। और खून पसीना कितना लगाता है इस वीडियो का तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, तो सुनते रहिए। ये तो एक सांसद का हो गया। इसके अलावा उसकी जो वाइफ है या पार्टनर है उसको मिलता है 34 फ्री हवाई जहाज का सफर। देखिए, हम आज तक हवाई जहाज में नहीं उड़े हैं, ऊपर चाहेगा तो उड़ेंगे जरूर। कितना लोग नहीं उड़े हैं, मुंह नहीं देखे हवाई जहाज का जाके, ठीक से। लेकिन जो सैलरी जो पार्टनर होता है होती है, मतलब एमपी का या होता है, उसको मिलता है 34 हवाई सफर, ठीक है। इसके अलावा उसको क्या मिलता है, अनलिमिटेड ट्रेन का सफर करने का मिलता है, पूरा साल भर घूमत रहो ट्रेन में, कोनो पूछना नहीं है। अगर संसद सत्र का चल रहा है, मतलब संसद पार्लियामेंट का सेशन चालू है, संसद चल रहा है, तो उस दौरान उसको घर से दिल्ली तक जाने के लिए 8 वो आ जा सकता है या सकती है, उसको इतना फ्री है हिंदुस्तान के किसी भी कोना से। इसके अलावा एमपी और क्या क्या यूज करता है, ये तो मिलता है, मैंने जो मिलता है ऊपर सीधा उसके जेब में चला गया। इसके अलावा क्या क्या यूज करता है, 50,000 यूनिट बिजली फ्री, हमारी आपकी तरह नहीं हर यूनिट का पैसा देना पड़ता है ही यहाँ, ठीक है। इसमें फ्री कॉल्स मिलता है, 1,70,000 को कॉल्स मिलता है फ्री, जहां चाहे बतिया है, हम लोग की तरह खून नहीं दे चुसाना है उसका। 40,00,000 लीटर पानी फ्री मिलता है, और भी बढ़िया पनिया, हमारे आपकी तरह पनिया नहीं मिलता उसको। इसके अलावा पेंशन मिलता है, जीवन बीमा मिलता है, अब बाकी पावर तो मिलता ही है। अब समझिए, ये सारी सुविधाएं सरकार उसको देती है, मतलब एक एमपी को मिलता है, भारतीय एमपी को। तो भैया जब इतना दिलाता है तो उसको कुछ काम भी होगा ना, ना। तो एक एमपी का काम क्या है, एक एमपी का काम यह है कि आपके सवालों को उठा के पार्लियामेंट में पूछे कि भाई हम जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते हैं, जिस लोकसभा क्षेत्र से आते हैं, उसमें ये समस्याएं हैं। कभी सीने पर हाथ रख के सोचिएगा कितना एमपी है जो आपके सवालों को संसद में उठाता है, सोचिएगा। बल्कि कितना एमपी देखिएगा, संसद को छोड़ दीजिए, 5 में एक दो बार आपके इलाके में नहीं आता होगा। एक मजदूर रखते हैं जिसको सैलरी देते हैं 10,000-15,000, तो उसका सारा हिसाब किताब लेते हैं। अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए एक टीचर रखते हैं तो रोज उसका हिसाब किताब लेते हैं, क्या पढ़ाया क्या सिखाया। अब भविष्य आपका और देश का जिन लोगों के हाथ में दे देते हैं, चाहे दे दिया जाता है, उनसे आप सवालों नहीं पूछते हैं, रत्ती भर सवाल नहीं पूछते हैं। और जब चुनाव आता है, आपके सामने वोट मांगने आता है, तो जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, समाज के नाम पे, क्षेत्र नाम पे उसको वोट दे देते हैं, वो तो बन जाता है एमपी, पूरा परिवार राज करता है। और कितना बच्चा उसको जाके विदेश में पढ़ता है, ए महाराज आपको कहाँ मिलता है, आपको मिलता है एगो गोली,
चाहे वो धर्म का हो, चाहे जाति का हो, चाहे क्षेत्र का हो, चाहे समाज का हो, चाहे जिसका भी हो, चाहे भाषा का हो। इसलिए अगर भविष्य आपका तो जैसे तैसे हुआ से हुआ, अगर अपने बच्चों का भविष्य बनाना चाहते हैं तो अगली बार कोई एमपी वोट मांगने आए ना तो उसे ये पूछे कि साहब वोट मांगने आते हैं तो वोट के बदले में क्या देते हैं। नोट नहीं, नोट नहीं, सवाल पूछिए, पूछिए उसे कि उसने जब गए, वो जब गया पार्लियामेंट में तो उसने आपके बारे में एक साल पूछा कि नहीं पूछा, आपकी सड़कें ठीक हुई कि नहीं हुई, आपके घर के आसपास के जो स्कूल है वो ठीक हुए कि नहीं हुए। तो जब एक एमपी आपके इलाके में आए ना उससे पूछिए ना कि ये जो सरकारी स्कूल है इसमें आपका बेटवा बेटिया काहे नहीं पढ़ता है, और हमारा बेटवा बेटिया पढ़ता है तो इसमें पंखा काहे नहीं है, इसमें टॉयलेट बाथरूम ठीक क्यों नहीं है, इसका टेबल बेंच ठीक नहीं है, इसका जो मास्टर लोग है वो लोग टाइम पर आता है कि नहीं आते, इस बारे में कभी कुछ किए हैं, हमारे पंचायत के बारे में, गाँव के बारे में, क्षेत्र में कभी कोई पंचायत की है, कोई मीटिंग किए हैं, पार्लियामेंट में कोई सवाल उठाए हैं, पूछिए। नहीं पूछिएगा ना तो आपका तो जो हुआ सो हुआ ही, जो बच्चा है ना आपका इसका भी भविष्य अंधकार में चला जाएगा, और सिर्फ बच्चा का भविष्य अंधकार में नहीं जाएगा, उसके साथ साथ आपका बुढ़ापा बर्बाद हो जाएगा, और सिर्फ आपका बुढ़ापा बर्बाद नहीं होगा, ये देश का भविष्य भी अंधकार में चला जाएगा। क्योंकि जितने भी एमपी हैं ये सब चुनाव तो जीत ही जाते हैं, चाहे जिसके नाम पर भी जीते हैं, अपना भविष्य तो बना ही लेते हैं। सवाल फिर का वही आ जाता है कि आपको सरकार क्या मिलता है। तो आपका हक है क्योंकि आपके वोट से ही उसको चुना जाता है और आपके वोट से उसको ताकत मिलता है, तो आपका हक है उससे पूछिए कि आपके बारे में उसने संसद में जाकर कुछ पूछा है या नहीं पूछा है। जय हिंद।